आपके साथ अनम और आप देख रहे हैं मन्नत समाचार न्यूज चैनल। आइए देखते हैं इस वक्त की मुख्य खबर। डीएम महेंद्र कुमार ने वैक्सीनेशन को लेकर रखी बैठक। सहरसा बिहार मोहम्मद रहमतुल्ला की रिपोर्ट। मामला सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय इसी सभागार में वैक्सीनेशन को लेकर डीएम महेंद्र कुमार ने अधिकारियों के साथ रखी बैठक। डीएम महेंद्र कुमार ने बताया कि सरकार के निर्देश अनुसार 28 अक्टूबर को राज्य स्तर पर वैक्सीनेशन कार्य किया जाना है, जिसके लिए अनुमंडल क्षेत्र के सभी पदाधिकारियों एवं स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में क्षेत्रों में वैक्सीनेशन हो। कोई वैक्सीनेशन के लिए छूटे नहीं। हालांकि वैक्सीन लेने वाले में पहला डोज ठीक रहा है, वहीं दूसरा डोज में कुछ कमी आ रही है, जिस कारण 28 अक्टूबर को राज्य स्तर पर बाकी बचे लोगों का पहला एवं दूसरा वैक्सीनेशन हो, ताकि कोरोना जैसी महामारी से बचा जा सके। बैठक में स्वास्थ्य विभाग एवं अनुमंडल क्षेत्र के सभी अधिकारी मौजूद थे। मैं सभी लोगों से यह करता हूं, गुजारिश करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में जो योग्य लाभार्थी हैं वो आए, चाहे उनका प्रथम डोज ड्यू हो चाहे सेकेंड डोज ड्यू हो, आके जो फिक्स सेशन साइट है वहां पे अधिक से अधिक संख्या में सबको टीकाकरण करें। वहाँ वैक्सीनेशन अभियान 28 तारीख को राज्य स्तर पर रखा गया है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। यद्यपि वैक्सीनेशन में बढ़िया काम हुआ है, डोज वन में भी, डोज टू में कुछ कमी है, उसी की समीक्षा के लिए आज हम लोग त्रिवेणीगंज और छातापुर प्रखंड के सभी पदाधिकारी यहाँ आए हुए थे। स्वास्थ्य विभाग के भी पदाधिकारी थे, ICDS के पदाधिकारी थे, प्रखंड विकास पदाधिकारी थे, अनुमंडल पदाधिकारी थे, और हम लोगों ने निर्देश दिया है कि जितने अधिक से अधिक लाभार्थी हों वहां तक पहुंचे हम लोग, और अधिक से अधिक संख्या में 28 तारीख को वैक्सीनेशन। जिला का सर लक्ष्य क्या है? जिले का जो लक्ष्य है हम लोग का, वो हम लोग का जो डोज वाइज है, करीब लगता है आपके छातापुर के लिए रखा गया है 15,000 और त्रिवेणीगंज के लिए है 21,000। जिले के लिए कुल लक्ष्य 1,21,000 के आसपास है, और हम लोग का प्रयास यह है कि हम लोग उस लक्ष्य को और भी अधिक आगे लेके जाए और लक्ष्य से अधिक हासिल करें। तो डिपेंड करेगा कि हम लोग का इस बार का क्या रहता है अचीवमेंट, उसके हिसाब से हम लोग 7 तारीख के अलग से लिए के लिए अलग से माइक्रो प्लान बनाएंगे। अभी हम लोगों ने हर एक वार्ड में सर्वे कराया है और हमारे पास 1,15,000 ऐसे लाभार्थी हैं जो कि टीका लेने के लिए तैयार है। हमारी पहली कोशिश है कि हम उन तक पहुंचे। उसके बाद बहुत जगह पर टीका को लेकर रेफ्यूजल की भी समस्या आ रही है, तो वहाँ पे सभी प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो टीम भेज के जो रेफ्यूजल है उसको खत्म कराएं और अधिक से अधिक संख्या में लाभार्थियों को मोबिलाइज करें।